एक अप्रैल से नया महीना तो शुरू हो ही रहा है, साथ ही नया वित्त वर्ष भी शुरू हो रहा है। लेकिन इस महीने में होने वाले 15 दिन के अवकाश के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो किस किस तारीख को होने वाला है अवकाश, आइए देखते हैं इस खबर में। भारतीय रिजर्व बैंक की अवकाश कैलेंडर लिस्ट के अनुसार अप्रैल 2021 के दौरान भारतीय अवसरों पर देश में बैंकिंग ऑपरेशन बंद रहेगा। अप्रैल महीने में बैंकों में कुल 15 दिन ही काम होगा, बाकी 15 दिन अवकाश के होंगे। हालांकि बैंकों में अवकाश की स्थिति अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि किसी अवकाश पर पूरे देश के बैंक बंद हों, ये राज्य और स्थान विशेष पर निर्भर करता है। बैंकिंग अवकाश उन राज्यों के त्यौहार या विशेष अवसर पर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर 9 अवकाश और 6 साप्ताहिक अवकाश पड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अवकाश को 3 श्रेणी में बांट दिया है। ये वर्ग हैं हॉलिडे अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हॉलिडे अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलिडे और बैंक्स क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरंभ में खाताबंदी के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 2 अप्रैल गुड फ्राइडे का अवकाश होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 4 अप्रैल रविवार का साप्ताहिक अवकाश होगा। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जयंती पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवकाश के कारण बैंक बंद रहेंगे। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने के कारण बैंकों में अवकाश होगा। 10 अप्रैल को महीने का दूसरे शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 11 अप्रैल को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 13 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, तेलुगु नववर्ष दिवस, उगादी महोत्सव होने के कारण बैंकों का अवकाश होगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के साथ साथ तमिल नववर्ष दिवस, विशु, बिजू महोत्सव, चिरोबा, बुहाग, बिहू के कारण बैंकों में अवकाश होगा। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, बंगाली नववर्ष दिवस, बोहगा, बिहू और सरहुल का अवकाश है। 16 अप्रैल को बोहगा, बिहू के कारण बैंक बंद रहेंगे। 18 अप्रैल को रविवार है। 21 अप्रैल को रामनवमी के अवकाश पर बैंक बंद रहेंगे। 24 अप्रैल को चौथा शनिवार है, तो वहीं 25 अप्रैल को रविवार के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी अप्रैल में आधा दिन काम और आधे दिन आराम। DB लाइव की रिपोर्ट।